हाँ भाई एक सेकंड, एक सेकंड बस। थैंक यू सर। आप भी आ जाओ। यस सर। क्या सर? सर एक आपका सुनो। श्योर। थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, कौन पूछेगा सवाल? शुरू। सर सबसे पहले तो किरदार के बारे में बताइए, फिल्म में जिस तरीके से आ रहे हैं, तो किस तरीके के किरदार में आप लोग नजर आने वाले हैं? वेल, मेरे किरदार का नाम है, इस कैरेक्टर का नाम है आदित्य कपूर। ये एक फिलान्थ्रोपिस्ट है, ये मतलब एक बिजनेसमैन है, NRI है, अमेरिका में रहता है, लेकिन अपने रूट से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के लोगों से जुड़ा हुआ है, प्यार करता है, मिस करता है। और उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है आलिया नाम की, जो मंजरी फडनीस प्ले कर रही है, और फिर क्या बीतते हैं इन दोनों के बीच में, क्या घटनाएँ होती हैं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के, इमोशनल रोलर कोस्टर राइड्स जो होते हैं, और हाउ दे गो अबाउट देयर लाइफ, एंड इसके ऊपर बेसिकली कैरेक्टर बेस्ड है। जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ फिल्म में, उसका नाम है एलेक्स, और वो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, और उनकी लाइफ में भी एक ऐसा फेज़ आता है जब आलिया उनके साथ में एक बिगिनिंग ऑफ दी बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी, जब उनके साथ रहती है एंड दे गेट अलॉन्ग विद डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस, एंड काफ़ी कुछ सीखने को रहता है, उनकी एक जर्नी है अपनी। और सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि इस किरदार को निभाते निभाते मुझे थोड़ा सा कॉलेज के वो दिन याद आ गए, जब मैं अपने आप उन दिनों को मिस कर रहा था, और कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में रह के थोड़ा सा काम करने को भी मिला। ओके, रवाज सर भी थे और आशुतोष जी भी थे, तो कैसा था उनके साथ में एक्सपीरियंस काम करने का? मेरा आई थिंक एक्सपीरियंस ऑन द सेट्स बहुत अच्छा रहा, और थोड़ा नर्वस रहता था हमेशा, जब भी सर साथ में रहते थे डर लगता था, क्योंकि हमेशा से मैंने उनको दरार में देखा है, और कितनी सारी फिल्में आई हैं मैंने उसके बाद में देखा, रिसेंटली दबंग में भी देखा, दबंग 2 में देखा, तो फॉर मी टू डाइजेस्ट दिस थिंग दैट आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम इन वन फ्रेम इज द बेस्ट थिंग फॉर मी। आई फील काफ़ी कुछ सीखने को रहा है, और नॉट ड्यूरिंग द फिल्म शूट और प्रमोशंस के दौरान भी साथ में रहना और सीखते रहना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्नीज। मैं वही बता रहा हूँ ना कि कॉलेज जाके कुछ यादें बनानी नहीं पड़ी, जब हम ये फिल्म शूट कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वापस कॉलेज में भेज दिया गया और बस ये बोला कि जा जी ले अपनी जिंदगी। वो कॉलेज नहीं, वो स्कूल था। अभी बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है। आप ही से सवाल है? दोनों से। वेल, ये मेरी तीसरी फिल्म है मंजरी के साथ, एंड आई कंसिडर मंजरी टू बी माई लकी मैस्कॉट। इससे पहले हमने एक फिल्म की थी जाने तू या जाने ना, एंड वो चली थी फिल्म। उसके बाद हमने एक फिल्म की किस किस को प्यार करूँ, तो इस फिल्म के दौरान मैं बोल रहा था कि आप दो फिल्में कर चुके हैं हम साथ में, दोनों फिल्में चली हैं, तो आई होप थर्ड वाला हैट्रिक भी हो जाए हमारा। शी इज़ वंडरफुल, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, सिंसियर, फोकस्ड एक्ट्रेस, एंड यू नो शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर, शी इज़ पिकिंग हर रोल्स वेरी वेल, एंड शी इज़ इम्प्रूविंग हर पिक्चर में, देर इज़ अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन हर एफर्ट्स एंड हर इन हर डेडिकेशन एंड इन हर फोकस। तो आई थिंक दिस मूवी होपफुली does well, this film will really do wonders for her career, because इस फिल्म के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो मंजरी का कैरेक्टर है वो एक बहुत ही अहम कैरेक्टर है, शी इज़ ऑलमोस्ट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर हर। विद मी इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी एक्टिंग विद हर, एंड मोर देन दैट आई बिलीव व्हेनेवर वी वर शूटिंग, जब भी हम किसी भी सीन को शूट करते थे वहाँ पे, तो
अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेती थी मेरे को बताने के लिए कि हाउ आई शुड स्टैंड, बिकॉज शी इज़ वर्कड इन फ्रंट ऑफ कैमरा लॉट मेनी टाइम्स एंड बींग अ न्यूबी व्हेन यू गेट टू शेयर सम एक्सपीरियंसेस, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो उन्होंने बांटा थोड़ा सा और मैंने समेट लिया. यूजुअली लोकेशंस की अगर बात करें तो 3-4 लोकेशंस होते हैं, 2 हेक्टिक हो जाता है. इस मूवी में आप लोगों ने मोर देन 150 लोकेशंस, 200 लोकेशंस है, 150 नहीं, केशव नाराज हो जाएंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे लेके गए हुआ हमें. शूट करना और नॉट जस्ट लोकेशन, वहाँ पे आपको बहुत सारे टफ वेदर सिचुएशंस को भी आपको फेस करना पड़ता है, बट एंड प्रोडक्ट जब देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है ना सब भूल जाते हैं इंसान. सो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस जहाँ पे हमने सर्दी गर्मी हर तरह के वेदर का एक सामना किया है एंड वी फेस्ड ऑल ऑफ दैट. एंड देखते हैं जब स्क्रीन पे उसको देखता हूँ, डेजर्ट, फोर्ट, जितनी भी लोकेशंस हमारे गानों की है और गानों के अलावा जितना फिल्म के अंदर भी लोकेशंस दिखाई दे रहे हैं वो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं और बहुत अच्छे दिख रहे हैं. जितने भी लोगों ने देखा है उन्होंने फ़ोन किया है उसके बाद में बताया कि क्या लोकेशंस है और बहुत ग्रैंड लग रहा है देखने में. तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से कमेंट्स आते हैं, ऐसा लगता है कि जो मेहनत करी उसका फल धीरे धीरे मिलने लगे, पीपल आर लाइकिंग इट. फिल्म जेन्युइनली थोड़ी सी जिस किस्म की इसकी ट्रीटमेंट है, जिस किस्म के इसके इमोशंस हैं, वो जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी अलग है. और एट द सेम टाइम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदी फिल्मों में लोग देखना चाहते हैं, ड्रामा देखना चाहते हैं, इमोशंस देखना चाहते हैं, कॉमेडी देखना चाहते हैं, अच्छा म्यूज़िक, अच्छे डांस देखना चाहते हैं, यूथफुलनेस देखना चाहते हैं. तो वी गॉट हिमांश, वी गॉट मंजरी, देव गॉट सम रियली गुड सॉन्ग्स, देव डांस वेरी वेल, एंड थोड़े से मंझे हुए एक्टर्स भी हैं, प्रेम चोपड़ा सर हैं, आशुतोष राणा हैं. तो इस फिल्म के अंदर एक होलसम एंटरटेनर है और एक बहुत सटल मैसेज, इट इज़ नॉट अ प्रीची फिल्म, बट एक बहुत अच्छा मैसेज है ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट है. एंड यू नो इट्स देर इज अ लॉट ऑफ गुड स्टफ हैपनिंग हियर, मतलब इट्स एंटरटेनिंग एंड एक खूबसूरत फिल्म बनी है. ओके मश, जिस तरीके से सर ने बोला कि काफ़ी मंझे हुए एक्टर्स हैं, आपके सेट पे सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन थी? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कहना, क्योंकि मैं सबको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि सब कैसे एक्ट कर रहे हैं. फर्स्ट डे जो हमारी फिल्म की शूटिंग का पहला दिन था, तो मेरा सीन नहीं था उस टाइम पे, अरबाज सर का एंड मंजरी का सीन था उस टाइम पे, एंड आई स्पेशली वेंट टू द सेट्स, काला घोड़ा पे हम लोग शूट कर रहे थे. आई रियली वॉन्टेड टू सी हाउ एवरीबडी वर्क्स हियर, एंड इससे पहले जब मैंने फिल्म में काम किया था सब न्यू कमर्स थे और यहाँ पे एवरीबडी इज़ वर्कड सिंस लॉन्ग, एवरीबडी इज़ बिन वर्किंग, एंड एक एक्सपीरियंस रहता है, सबका तजुर्बा रहता है, वो देखना, उसे एक्सपीरियंस करना, मेरे लिए तो सिर्फ इसी चीज़ को, इसी फीलिंग को ऑब्जॉर्व करने में बहुत टाइम लग गया कि मैं आप सब लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ. इस पोस्टर में आ गए, इससे ज़्यादा लकी और क्या फील कर सकता हूँ मैं. घर पे जब किसी से भी बात करता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ, वो देखते हैं, वो बोलते हैं कि उनको भी दिखता है कि यू आर ग्रोइंग, यू आर लर्निंग, और पहली फिल्म के बाद आपकी दूसरी फिल्म आ रही है और आप इतने लोगों के, इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच में आके यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ. सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और उन लोगों से जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ इंडस्ट्री के. ओके, पहले फिल्म जैसे कि आपने एक कॉलेज बॉय का किरदार निभाया था, तो ये वाला कितना चैलेंजिंग था ये वाला किरदार आपके लिए? ये वाला किरदार पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जो पहले वाला किरदार था वो बिल्कुल एक, इट वॉज अ वेरी इनोसेंट बॉय, एंड ओवर इट्स अ कॉलेज बॉय, और वो स्कूल, एक स्कूल का फेज था वो यारिया के अंदर में, कि हाउ स्कूल किड्स आर गोइंग, इट्स अ हाई स्कूल एंड ओवर हियर इट्स अ कॉलेज यूनिवर्सिटी फील. सो एंड हमारे यहाँ पे एक पूरा सिचुएशन भी है, जब मैं 80s का एक बेस्ड कैरेक्टर है मेरा एलेक्स का, एंड ओवर देयर वाज अ नॉर्थ ईस्ट बॉय, नॉर्थ ईस्टर्न बॉय ऑफ इंडिया हु वाज हैविंग फन ऑफ हिज लाइफ टाइम. यहाँ पे एक आपको बहुत सुलझा हुआ कैरेक्टर देखेगा और वहाँ पे इनोसेंस एंड लर्निंग वॉज द मेन थिंग ओवर देयर. सो काफ़ी डिफरेंट रहा और काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा, क्योंकि यहाँ पे डायलॉग बहुत ही खूबसूरती से लिखे गए हैं, एंड केशव ने भी बहुत बहुत बारी हेल्प करी मुझे उन डायलॉग्स को रिहर्स करने में और कैरेक्टर को पकड़ने में, तकरीबन 3-4 महीना लग गया था. ओके सर, जिस तरीके से आपने भी काफ़ी अलग अलग तरीके के किरदार प्ले करे, तो ये किरदार को आप कितना अलग मानते हैं और कितना डिफरेंट मानते हैं बाकी कैरेक्टर्स से? वेल, अभी हाल ही में मेरे इससे पहले जो फिल्म मैंने प्ले की, फ्रीकी अली में मकसूद का कैरेक्टर प्ले किया, तो मकसूद
एक टिपिकल मतलब गर्मियाबाई गली का छोकरा और ये एक सोफिस्टिकेटेड, तो थोड़ा सा देर इज़ अ बिग ड्रास्टिक चेंज. द डायरेक्टर वॉज वेरी श्योर दैट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर ही वॉन्टेड मी, एंड उनको लगा कि जो मेरी एक फिल्म की इमेज भी है और एक पर्सनल इमेज में भी है, वो दोनों इस कैरेक्टर को सूट करते हैं. तो एंड मेरा भी ये फर्म बिलीफ है कि व्हेन यू लुक द कैरेक्टर हाफ द जॉब इज डन, तो क्योंकि फिर उसके बाद आपको एक्टिंग कम करनी पड़ती है, सिर्फ समझना पड़ता है रोल को. बट इफ़ यू डोंट लुक द कैरेक्टर देन द एफर्ट टू एक्ट बिकम्स मच हार्डर. तो इफ ही फेल्ट के वो एक वो बिजनेस मैन हिंदुस्तान से दूर एन आर आई सोफिस्टिकेटेड यू नो इस किस्म का जो है कैरेक्टर, एक इमेज वाइज आई फिट द कैरेक्टर वेरी वेल. एंड देन जो जो सीन्स जो हैं वो बड़े सिंपल से सीन्स हैं, बड़े रिलेटेबल सीन्स हैं एंड बिलीवेबल सीन्स हैं. तो वो इस मामले में इस कैरेक्टर को मुझे प्ले करने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई कई बार हमको फिल्मों के अंदर बड़े लार्जर देन लाइफ और थोड़े से लाउड कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं जो हल्के से फिल्मी माने जाते हैं, तो वो जो ऑडियंस से भी रिलेट होते हैं लेकिन थोड़े से अनरियल होते हैं, लेकिन वो उनको बिलीवेबल बनाना पड़ता है. ये कैरेक्टर जेन्युइनली आपको लगेगा कि आप ऐसे आदमी को जानते हो, कई ऐसे लोगों को आप जानते हो, और फिर उसको प्ले करना है रियल इज नॉट ऑलवेज वेरी इजी, इट्स समटाइम्स वेरी चैलेंजिंग. तो दैट्स व्हाई दिस कैरेक्टर इज अ लिटिल डिफरेंट. तो सर ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है, किस तरह ये कैरेक्टर है? नहीं, इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर, इट्स अ पॉजिटिव फिल्म. यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स आपको देखते हैं आप देखोगे फिल्म के अंदर, उनके अंदर पॉजिटिविटी ही झलकेगी. तो यू नो इट इज़ फिल्म में कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव नहीं है. सिचुएशंस जो हैं, सर्कमस्टांसिस जो हैं, वो इस फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं आपको दिखाते हैं कि हो सकता है उसकी वजह से लोगों में चेंज आता है या वो नेगेटिव होते होंगे या जो भी है, सिचुएशंस आपको बनाते हैं, बट लोग नहीं है इसमें. सर आपकी मूवी जो है ये क्लैश कर रही है दो मूवीज के साथ, कमांडो आ गया हीरो, तो आ गया हीरो गोविंदा जी की जो आ रही है मूवी जी, तो कुछ थोड़ा उसमें आपको स्क्रीन क्योंकि बढ़ेंगे काफ़ी, तो थोड़ा सर ये तो ये मुद्दा कमिंग ऑन द सेम डे आई थिंक, वो नहीं आ रही है, नहीं आ रही, आ गया हीरो, सिर्फ कमांडो आ रही है. लेकिन सर आप ये समझ लीजिए कि इस एक साल के अंदर वीक्स कम होते हैं और रिलीजेज़ ज़्यादा होते हैं, 100-150 फिल्में रिलीज़ होती हैं, तो फिल्मों को सोलो रिलीज़ मिलना वैसे भी कोई आसान काम है नहीं. ये तो हम लकी हैं कि हमारे साथ शायद दो ही फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि 6-7 फिल्में रिलीज़ होती हैं, तो फिर आप समझो क्या हालत होती होगी स्क्रीन्स की और क्या ऑडियंस की भी हालत होती होगी. तो वी आर आई थिंक वी गॉट अ रिलेटिवली गुड वीक, एंड तो वी आर होपफुल कि हमारी फिल्म के जो जिस किस्म की प्रमोशन हो रही है और पोजिशनिंग हो रही है और जिस किस्म के उसके गाने बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, तो वो हमारे को हमारी ऑडियंस मिलेगी फिल्म. सर जैसे आपने कहा कि रिलीज होने को मिल जाता है मूवीज, दैट इज द लकी पार्ट, कितनी मूवीज होती है जहां पे सेंसर बोर्ड पास ही नहीं करते मूवीज को? आई डोंट थिंक ऐसा होता है, शायद एक आध दो कट्स के साथ. रिसेंटली एक मूवी है प्रकाश झा की जी, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, वो मूवी को सेंसर बोर्ड को एक सर्टिफिकेट ही नहीं दे रही है, पास ही नहीं कर रही, तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? सर आई वुडंट नो, मैंने फिल्म देखी नहीं है और ना ही मैं उस आई एम इक्विप्ड टू कमेंट ऑन दैट फिल्म, तो आई गेस आई वुडंट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू. कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो चाहिए ही चाहिए, कुछ ऐसा जवाब देता कि उछाले अरबाज खान ने ये बोला, अरे वो उसे न्यूज में फ्लैश करेगा अलग से. ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है हमारा इंटरव्यू के बारे में, जो पहले आना और वही चलता नहीं, वही है फिर चलेगा, वही फिल्म का कुछ नहीं चलने वाला, फिर इतनी जो मेहनत की आधा घंटा जो बात की ना वो नहीं चला, एडिटर बोलता ये चलाओ. अच्छा आप पूछेंगे तो फिर आप मैं आपकी आंख में देख के बोलूंगा, सेंटर में आ जाए, आप सेंटर में आ जाए. ये जीना इसी का नाम है, मैं मेरे कैरेक्टर का नाम है कुंवर विक्रम प्रताप सिंह, ये राजस्थान की एक रियासत के राजा हैं, और जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि चूँकि ये राजा हैं और उसी भाव में ये आज भी जीते हैं लोकतांत्रिक समय में, तो इनका ये मानना है कि अपनी शर्तों के हिसाब से जीने वाले व्यक्ति हैं और इनकी इच्छा ही इनके हिसाब से इनका धर्म है, तो अपने मुताबिक ये जीते हैं, अपनी शर्तों पर ये जीते हैं, और बड़े ही फोकस्ड और बड़े ही
कठोर स्पोर्ट्स में विश्वास करने वाले और अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर। ओके सर, बाकी और लोग भी हैं तो कैसा एक्सपीरियंस था शूटिंग एक्सपीरियंस था, कुछ नए लोग भी हैं फिल्म के अंदर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा, क्योंकि पूरी कास्ट जो है और ये जो फिल्म इन्होंने केशव ने लिखी है और डायरेक्ट की है, इसमें एक एक कैरेक्टर, कोई भी जो कैरेक्टर अगर फिल्म में आता है, चाहे वो भले ही दो सीन का ही कैरेक्टर क्यों ना हो, तो वो फिल्म में आवश्यक था इसलिए वो है, और चूंकि वो आवश्यक था तो दर्शकों को उसकी उपस्थिति और उसका कैरेक्टर याद रहेगा। तो बहुत अच्छी वीविंग और बुनावट के साथ इन्होंने हर कैरेक्टर को कसा है, चाहे वो प्रेम चोपड़ा साहब का कैरेक्टर हो या सुप्रिया पाठक जी का हो या रति अग्निहोत्री जी का हो या अरबाज खान साहब का हो या हिमांश हैं, हिमांश कोहली, मंजरी फर्नेस या हमारा कैरेक्टर हो, तो या अशोक बाठिया हैं, उनका भी एक कैरेक्टर है। तो सारे के सारे कैरेक्टर्स बहुत खूबसूरती के साथ लिखे हुए हैं और इसमें सीजनड, जैसे प्रेम चोपड़ा साहब हैं, सुप्रिया जी हैं, रति अग्निहोत्री हैं, ये लोग सब लिविंग लेजेंड हैं, और अरबाज खान साहब हैं, वो एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं और फिल्म परंपरा से, फिल्म परंपरा वाले परिवार के वो एक व्यक्ति हैं। तो अपने आप में इन लोगों के साथ काम करने का जो अनुभव है, या मंजरी हैं तो काफ़ी एक्टिव और बहुत फोकस्ड लड़की हैं अपने काम को लेके, हिमांश हैं तो वो भी, तो ये नए और पुराने इन सब के बीच में अनुभवी और युवा, इन तमाम लोगों के बीच में जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके काम में सुधार आता है और आप अपने आप को परिष्कृत भी करते हैं, सुपरफाइन भी करते हैं। ओके सर, जिस तरीके से देखा जाए तो फिल्म की यूएसपी क्या मानते हैं? देखिए, फिल्म की, किसी भी फिल्म की यूएसपी मेरे हिसाब से मनोरंजन होती है, और अगर फिल्म आपको मनोरंजक लगे, फिल्म आपको आनंदित करती हुई लगे और फिल्म देखते देखते आप फिल्म के हिस्से हो जाएं, या ये कहें कि आपको फिल्म के ऊपर चलने वाले किरदार जितने भी हैं वो अगर आपको लगे कि यार ये हमारी ज़िंदगी के कहीं ना कहीं कोई एक हिस्से हैं, तो वो फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी होती है। तो जीना इसी का नाम है, वो मनोरंजक फिल्म है, वो हमारी और आपकी तमन्नाओं के ऊपर आधारित फिल्म है, क्योंकि हर व्यक्ति ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता प्राप्ति के लिए उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑड सिचुएशन आती हैं, तो उन ऑड सिचुएशन को इवन में बदलना, जो आपके बाधक हैं उनको साधक में बदलना, तो ये हर आदमी की इच्छा होती है और कैपेसिटी होती है कि आप परिस्थितियां नहीं बदल सकते तो आप मनस्थिति बदल दीजिए, और जब मनस्थिति आपकी बदलती है तो परिस्थिति ऑटोमेटिकली बदल जाती है, और फिर आपका जो निश्चित किया हुआ लक्ष्य है सफलता, जिंदगी, सफलता से मतलब नेम फेम की बात नहीं है, सफलता से मतलब है कि जो आपका मन करने की इच्छा रखता है क्या आप उसे बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, तो वो उस दिशा में ले जाने वाली फिल्म है। जिसको अगर चार लाइनों में कहूँ तो राहत इंदौरी साहब का एक बहुत कमाल का शेर है कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तो वो उस मिजाज की फिल्म है। जी बहुत सारे अनुभव हैं और हमने बहुत सारी जगहों पे इस फिल्म को शूट किया है। अब जैसे राजस्थान में ही जब हम शूट करने गए तो राजस्थान में उदयपुर में भी हमने शूट किया, डूंगरपुर में भी हमने शूट किया, देवीगढ़ में भी हमने शूट किया, तो ये जितने भी हिस्टोरिकल एरिया वाले और या हिस्टोरिकल इमारतों में जब आप करते हैं तो निश्चित रूप से, क्यों, क्योंकि हमारी और आपकी तो एक सीमा होती है कि हम 100 साल के हो गए या 80 साल के हो गए, लेकिन जो इमारतें होती हैं उनकी अपनी दास्तान होती है, और वो पता नहीं हम और आप जैसे कितने सारे लोगों की एक पूरी की पूरी कहानी अपने अंदर समेटे हुए होती हैं। तो जब भी कभी आप ऐतिहासिक इमारत के पास जाते हैं या ऐतिहासिक क्षेत्र में जाते हैं तो आपके अंदर एक अपना, एक पूरी पूरी की पूरी जो हमारी और आपकी मानवीय संस्कृति की परंपरा होती है वो कहीं ना कहीं उसका संचार होता है, और आप अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं, और जब आप कनेक्टेड महसूस करते हैं तो आप उस एरा में पहुंच जाते हैं। तो हमारे कैरेक्टर के लिए तो इन तमाम लोकेशन के ऊपर रहना
ये डायरेक्टर की तरफ से बहुत बड़ी हमें ये कहें कि एक किस्म की सुविधा दी गई थी। क्यों? क्योंकि हम विक्रम कुंवर विक्रम प्रताप सिंह जो प्रिंस ऑफ राजस्थान की किसी एक रियासत के राजा का रोल कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो वो इमारतें, वो उस किस्म का एटमॉस्फेयर, एम्बियंस, उनके वो पुराने थ्रोन और पुराने जो उनका पूरा पहले शिकार चलता था, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज हम क्रिकेट खेलते हैं या हम हॉकी खेलते हैं, तो पहले वो लोग अपने मनोरंजन के लिए जो किंग हुआ करते थे वो आखेट किया करते थे, तो वो तमाम चीज़ें जो प्रिजर्व करके रखी गई हैं, और तो ये सब चीज़ों ने बड़ी मदद की। तो अपने आप में लोकेशन का बहुत महत्व होता है। क्यों? क्योंकि आपने हर चीज़ को रियल लोकेशन के ऊपर एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, आपने किसी किस्म के सेट के ऊपर हम लोगों का विश्वास नहीं रहा, क्योंकि सेट आप कितना ही असली क्यों ना बना ले, वो कहीं ना कहीं नकली नज़र आता ही है। तो इसमें जो असली लोकेशन है, उन तमाम असली लोकेशनों पर हमने काम किया है, तो उसका एक अपना मज़ा है। देखिए, मैं अपने आप को उन भाग्यशाली एक्टर्स में से मानता हूँ कि इतनी लंबी तकरीबन 100 साल की हमारी फिल्म इंडस्ट्री की परंपरा है, लेकिन शेर से लड़ने का ख्वाब हर एक्टर के अंदर होता है, लेकिन कुछ ही एक्टर होते हैं जिनको इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का मौका मिला है। अगर आप देखें तो धर्मेंद्र जी, उन्होंने कर्तव्य में उनकी और शेर के बीच में फाइट थी, या श्री अमिताभ बच्चन साहब नटवर लाल में, या अजय देवगन जी, और अब एक चौथा नाम आशुतोष राणा का आपको जुड़ता हुआ दिखता है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी रोमांचक उपलब्धि है, और निश्चित रूप से शेर से लड़ना ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन शेर को देखते साथ ही हमारी और आपकी सबकी हालत ख़राब हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं, अंधेरे में से अगर हमें बिल्ली निकल जाए किसी व्यक्ति के, तो एक मिनट के लिए आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो फिर तो वो शेर है। तो लेकिन ये है कि चूँकि जिस तरीके से शूट किया गया है पूरा का पूरा सीक्वेंस, उसकी पूरी चेज है, हंट है, और फिर ऐसा भी नहीं है कि उनको आप जो हंटिंग आप दिखा रहे हैं वो आप डिस्टेंस से दिखा रहे हैं, वो एक हिसाब की 1-to-1 फाइट है, कि शेर ने शेर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हथियार वाला आदमी उनको हंट करे, तो उसने आपके हथियार को आपसे व्यक्ति से अलग कर दिया। तो जो कॉम्बैट है 1-to-1 कुंवर विक्रम प्रताप सिंह और टाइग्रेस का, तो वो जो कॉम्बैट होता है जिसको हम और आप हैंड फाइट के तौर पे देखते हैं, तो वो और बहुत अच्छा कोरियोग्राफ भी किया है केशव ने, उसको विजुलाइज बहुत अच्छा किया था, और हमारे जो फाइट मास्टर हैं, फाइट डायरेक्टर अब्बास भाई, उन्होंने उसको कोरियोग्राफ भी बहुत अच्छा किया। तो मुझे लगता है कि जितना रोमांच मुझे करने में आया, शूट करने में आया, उतना ही रोमांचक आपको उस सीक्वेंस को देखते हुए लगेगा। देखिए, प्रिपेयर अकेला हंटिंग सीन के लिए नहीं होता, एक्टर की ज़िंदगी में मुझे लगता है कि प्रिपरेशन 24 घंटे जारी रहती है, क्योंकि हर वो सीन, हर वो सीक्वेंस, या हर वो लाइन जो सिल्वर स्क्रीन के ऊपर बोली जाने वाली है, हर वो इमोशन जो सिल्वर स्क्रीन के ऊपर कैप्चर किया जाने वाला है, अपने आप में अननर्विंग होता है, अपने आप में आपको नर्वस करने वाला होता है। तो वो प्रिपरेशन तो जितनी आपको शेर के लिए करनी है करनी है, लेकिन साथ में आप अननर्व भी होते हैं, आपको अपने लिए प्रिपरेशन करनी होती है। तो मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर के लिए एनिमल को, किसी भी जानवर को ऑब्जर्व करना उसकी एक्टिंग कैपेसिटी को डेवलप करता है। तो अगर हम लोग जब हम पढ़ते थे या आज भी जब हम करते हैं, तो हम एनिमल प्लैनेट देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट होते हैं, जो हमारी बुद्धि के कारण गायब हो जाते हैं, और जो एक्टिंग होती है वो इंस्टिंक्ट पे के ऊपर निर्भर करती है, वो इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं निर्भर करती है। तो आज की तारीख में हमने इंटेलिजेंस को इतना हावी कर दिया है, इस कारण इंस्टिंक्ट छूट जाते हैं। चूंकि इंस्टिंक्ट छूट जाते हैं, इसलिए कोई भी अभिनय हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, और या प्रभावित नहीं करता, या कोई भी किरदार हमारे लंबे समय तक हमारे स्मृति का, हमारी मेमोरी का हिस्सा नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि ये इसने मुझे रीवर्क करने का मौका दिया है पूरी की पूरी, क्योंकि उसमें उनको ऑब्जर्व करना, वो टाइग्रेस हैं,
वो जब हम ये बताई गई कि भाई जब हमने तय किया कि आप इनसे लड़ेंगे, तो उनकी तस्वीरें आई, उनके वीडियोज़ आए, भेजे गए, वो हम हमारे साथ शेयर किए गए, तो वो जाने के पहले ही एक, और फिर कौन एक्टर लड़ने वाला है, तो वो उनके जो मास्टर होते हैं उनके पास वो भेजे गए, हमारे अपने वीडियोस, हमारी अपनी फ़ोटोग्राफ, तो वो वैसे तो मिलने के पहले हम एक दूसरे के मूव को, एक दूसरे की उन तमाम चीज़ों को जान रहे थे, पर जब मिलने के बाद फिर वहाँ पे जो ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि कभी भी जब आप किसी जानवर को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो क्योंकि शेर से लड़ने के लिए आपको शेर होना पड़ता है और इंसान से लड़ने के लिए आपको इंसान होना पड़ता है, तो आपको आप तक पहुंचाने वाली एक यात्रा होती है। तो मेरे लिए ये पूरी प्रिपरेशन एज एन एक्टर बड़ी लाभदायक रही, और अपने आप को मुझे लगता है कि वो ऑब्जर्व करके उनके साथ डील करना अपने आप में आपको कहीं ना कहीं फाइननेस की तरफ ले जाता है। तो लाइक आपका डायलॉग प्रेजेंस हमेशा लोगों को बहुत पसंद आता है, तो कोई डायलॉग आप बता सकते हैं? देखिए ये तो अभी अब 3 तारीख को हम आने ही वाले हैं, फिल्म जीना इसी का नाम है, 3 मार्च को रिलीज होने ही वाली है, तो मुझे लगता है कि इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइन्स जिसको कहना चाहिए या तेवर कहना चाहिए, वो आशुतोष राणा के को बोलने का मौका मिला है। तो अब जैसे इसमें एक सीक्वेंस है कि जहाँ पे जब ये मंजरी फर्नेस का कैरेक्टर इनसे पहली बार मिलता है, और चूंकि ये अनप्रडिक्टेबल आदमी है और ये किसी दूसरे की शर्तों पे नहीं रहते, उनका मानना है कि मेरी शर्त ही आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो अब वो जब उनसे पूछती हैं कि आप अपने बारे में आप कुछ ऐसी चीज़ बताएं जो दुनिया को नहीं पता, जिससे ताकि दुनिया आपके जैसी बन सके, तो वहाँ पे जब ये कहते हैं कि आपको लगता है कि विक्रम प्रताप सिंह कोई और हो सकता है, हमारी कहानी सुन के कोई विक्रम प्रताप सिंह नहीं बन सकता, क्योंकि विक्रम प्रताप सिंह सिर्फ एक ही हो सकता है और वो हम हैं। तो ये इस वाले तेवर के जो कैरेक्टर्स हैं, या तो आप शिकार होते हैं या शिकार कर लिए जाते हैं, और विक्रम प्रताप सिंह शेर है, शिकार करता है, तो ये जो वाली बात है जो हम और आप रोज़मर्रे के जीवन में बोलते हैं, तो ये बड़ी कैची लाइन्स हैं, कैची डायलॉग हैं, जो अगर फिल्म चलती है तो मुझे लगता है कि डायलॉग्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जब वो आपके हिस्से, आप जब उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने दोस्तों से, यारों से उनका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो फिर वो कैरेक्टर के डायलॉग नहीं होते हैं, फिर वो आपके डायलॉग हो जाते हैं। सर आप कितना रिलेट करते हैं इस कैरेक्टर से? देखिए मैं उन एक्टर्स में से हूँ जिसका ये मानना है कि सारी के जितने भी कैरेक्टर होते हैं संसार में, वो सब कुछ आपके अंदर होता है, या ये कहें कि दुनिया में जो कुछ भी है आप दुनिया के अंदर हैं, तो वो सिर्फ सीड फॉर्म में होते हैं, बीज रूप में होते हैं, आपको जब जिस किरदार की ज़रूरत पड़ती है आप उस बीज के ऊपर खाद पानी छिड़कते हैं और फिर वो वृक्ष बन के लोगों के सामने निकल आता है। तो मुझे नहीं लगता कि कुंवर विक्रम प्रताप सिंह ये आशुतोष राणा की ज़िंदगी का एक एक्सटेंशन होगा, जैसे गोकुल पंडित है वो आशुतोष राणा की ज़िंदगी का एक डायमेंशन है, जैसे लज्जा शंकर है संघर्ष का वो आशुतोष राणा की ज़िंदगी का एक डायमेंशन है, या हम्टी शर्मा का जो सिंह साहब था वो आशुतोष राणा की ज़िंदगी का एक पक्ष है, या ब्रदर्स जो पिछले साल रिलीज हुई थी तो उसमें जो कैरेक्टर था वो, तो भिन्न भिन्न हर किरदार एक्टर की ज़िंदगी के अपने पहलू होते हैं, उन पहलुओं को जब उजागर करना होता है, बाहर निकालना होता है, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उस पर्टिकुलर पहलू के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वो खिल के लोगों के सामने आ सके। तो सर इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट जिसमें आप वर्क कर रहे हैं? जी एक फिल्म है ओड़नछू जो इस वर्ष आपको देखने मिलेगी, उसमें भी बिल्कुल अलग किस्म का कैरेक्टर है, अभी तक आपने आशुतोष राणा को इस तरीके से नहीं देखा होगा, तो वो आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है। फिर एक फिल्म है चिकन करी लॉ जो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर आधारित है, और कोर्ट एक हिसाब से कोर्ट की कहानी है। फिर एक फिल्म है जीना इसी का नाम है, तो हम रिलीज़ आप 3 तारीख को हम कर ही रहे हैं,
तो ये तीन फिल्में हैं जो आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगी। नहीं, बद्रीनाथ की दुल्हनिया सीक्वल नहीं है, वो एक डिफरेंट कहानी है। चूँकि हम्टी शर्मा की दुल्हनिया एक हिट ट्रेडमार्क है और वही टीम बना रही है, और चूँकि उसमें स्टारकास्ट वरुण और आलिया और डायरेक्टर कॉमन है, लेकिन कहानी जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो उसका सीक्वल कहीं आपको उसमें देखने नहीं मिलेगा, इसलिए उसमें मैं हूँ। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, आज के दौर में वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं जिनसे जिनके साथ काम करके मैं लगातार सीखता रहता हूँ, और वो आपको रोज़ नया करते हैं, क्योंकि इनकी नई अप्रोच कहीं ना कहीं हमारे पुराने अनुभवों को तराशने का काम करती है। तो वरुण और आलिया ये आज की तारीख में जिसको कहना चाहिए कि भारतवर्ष में बेहतरीन एक्टर्स की एक ब्रीड है, तो और मैं भाग्यशाली हूँ कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। वो पूरा का पूरा कनेक्टेड है, क्योंकि जीना किसका नाम है, जीना उसी का नाम है कि आपके हिस्से में हमने आपको विपरीत परिस्थितियाँ दी और आपने उस विपरीत परिस्थितियों को, ऑपोजिट सिचुएशन को आपने फेवरेबल सिचुएशन बना के आपने अपनी बाधाओं को भी आपने साधक बना लिया, अपने हर्डल्स को भी आपने अपना स्टेपिंग स्टोन बना लिया। तो जब ये हुनर आदमी के अंदर आ जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जीना इसी का नाम है। तो और किस किस के हो गए इंटरव्यू? अब सिर्फ मंजरी जी का बचा हुआ है ना, केशव डायरेक्टर हमारे फिल्म के, उनका नहीं। तो मैं इस फिल्म में आलिया पैट्रिक नाम का एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि एक्चुअली द फिल्म स्टार्ट्स व्हेन शी इज़ 8 years old, बट ऑफ कोर्स मैं वो प्ले नहीं कर रही हूँ, दैट्स अनदर गर्ल इज़ प्लेइंग फ्रॉम द टाइम शी इज़ 8 years old ऑनवर्ड्स। बट देन फ्रॉम द टाइम आलिया 18 years old की है, यू नो जब लड़कियाँ अपने आप को खोजने की कोशिश करती हैं, दे ट्राइंग टू फाइंड आउट, लाइक दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट आई एम प्लेइंग अ रेंज टिल द टाइम शी बिकम्स अ 40-year-old मच्योर सक्सेसफुल वुमन। सो शी इज़ वेरी डिटरमाइंड, वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ अ फाइटर, शी विल नेवर गिव अप इन लाइफ, एंड बड़ी पॉजिटिव लड़की है, एंड किसी भी सिचुएशन में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। ओके, एक अलग तरीके एक एक्टर में सर आपको लेने वाले हैं, सो कितना चैलेंजिंग था, कितना डिफरेंट था, उसके बारे में बताओ। ये पूरा फिल्म मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि इतना रेंज मुझे प्ले करना था फिल्म में, लिटरली एन एंटायर लाइफ ऑफ लाइक दिस गर्ल आलिया पैट्रिक। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो स्टोरी है ये दिस इज़ इंस्पायर्ड बाई द लाइफ ऑफ पूर्णिमा मीर, हुज़ आर प्रोड्यूसर। सो आई डिड अ लॉट ऑफ लाइक आई नॉर्मली डू दिस फॉर एनी ऑफ माई फिल्म्स विच आर ड्रामा, आई डू अ डिटेल्ड कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर बिफोर आई गो ऑन शूट, एंड ऑफ कोर्स आर डायरेक्टर वॉज वेरी हेल्पफुल, तो हमने बैठ के पूरा उसका डाइसेक्शन किया पूरे रोल का एंड एवरी थिंग। सो बिफोर वी वेंट ऑन फ्लो मैं बहुत आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड अबाउट how I want to portray this girl from the time she's little till the time she grows up. So it was like, thanks to the director, it was an easier journey for me. So how was the equation working with Himanshu as well as Arbaz? So Himanshu is mad. I think all of us know that he's crazy. He doesn't stop talking. I don't like literally hold my head and like sit with him because he just can't stop. But he's so much energy to work with. He's good fun. He's like a very sweet boy. Arbaz again, like now Arbaz, I personally think he's extremely lucky for me,
बिकॉज जब भी वो मेरे साथ किसी फिल्म में होते हैं इट टेंड्स टू वर्क. सो जाने तो या जाने ना, माई इंट्रोडक्शन सीन वॉज विद हिम, देन किस किस को प्यार करूँ, वी हैड अ स्मॉल इंटरेक्शन बट स्टिल इट वॉज देयर. सो इसमें तो वी हैव अ प्रॉपर लाइक यू नो रोल टुगेदर. सो आई एम लाइक आई एम जस्ट होपिंग दिस विल बी लाइक अ सुपर 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 सक्सेसफुल फिल्म. सो अपने दोनों के साथ काम है हिमांशु एज़ वेल एज़ अरबाज़, तो किसके साथ ज़्यादा ट्यूनिंग देखने मिलेगी मूवी में? एक्चुअली मेरी ट्यूनिंग फिल्म में सभी के साथ देखने को मिलेगी, बी एट हिमांश, बी एट आशुतोष राणा सर, बी एट सुप्रिया पाठक शाह मैम, बी एट अरबाज, बी एट प्रेम जी. सो लाइक आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशन विद ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर इन द फिल्म. सो सो या If I answered your question. काफी जगह काफी लोकेशन में इसकी शूटिंग हुए थे, हाउ चैलेंजिंग इट वाज कि आप लोगों को काफी हेक्टिक हो जाता है? मतलब हेक्टिक मतलब वी हैव शॉट फ्रॉम लाइक रियली रियली तपता हुआ डेजर्ट से लेकर वी हैव शॉट इन -11 डिग्रीज इन US. इट वाज मैड. आई रिमेम्बर मैं हमेशा लाइक यू नो बचपन से देखती आ रही हूँ लाइक यू नो like you know all the actresses in the chiffon sarees like you know dancing like all happily and romantically in snow and everything, but reality jab jao to pata chalta hai it was really 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 cold. I was experiencing minus degrees for the first time personally. So and our outfits in the film like you know were not good enough for the weather we were shooting in. So it was almost like we had to, and ye song ka nahi tha, we were actually acting in that temperature and that was really difficult. And literally like there were times I wanted to literally cry but my tears would also freeze, so it was very difficult. Okay, so like jaise iska title naam hai Jeena isi ka naam, to is story se kitna connect hone wala hai iska title aur aapki nazar mein iski kya definition hai? See Jeena isi ka naam hai is basically the movie by itself is trying to show you a positive side of life. हमारी सबकी lives में बहुत सारे सपने होते हैं. सपनों के साथ साथ वी ऑल्सो हैव टू वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ हार्डशिप्स. सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है, बट हाउ यू डील विद सर्टन सिचुएशंस इन लाइफ, हाउ पॉजिटिवली यू स्माइल एट योर सिचुएशंस, डू नॉट गिव अप एंड राइज अबव योर प्रॉब्लम्स, इज व्हाट जीना इसी का नाम है. बहुत ही एंटरटेनिंग एंड नॉन प्रीची वे में मिलेगा, बहुत ही सटल मैसेज मिलेगा, बट so it will be a very positive journey, so you will go back feeling like yaar I can conquer anything in the world. Okay, film mein jaise ki kafi legend actors bhi hain, to unke sath mein kaisa experience tha kaam karne ka, uske bare mein batao. Bahut hi maza aaya. I took it more as a learning experience for me because to work with somebody as talented and as amazing a powerhouse of performer like Ashutosh Rana sir, Supriya Pathak Shah ma'am, you know it is easy to get intimidated by them, but if you take it more as a learning experience life becomes easier. So to unse bahut kuch seekhne ko mila. I've spoken before about it, but Ashutosh sir, I had seen him perform in Dushman and what is that film, that film Sangharsh. So it's very scary to work with somebody who has that image, right? And his eyes are like so intense and like he looks like a lion himself, you know. So I was like I don't know how I'm going to do this, but when I met him personally, he's wonderful. He's very warm as a person and he's such a secure actor, and he only wants you to do better and do well. So he was constantly encouraging, he was trying to help me up my performance, and obviously when there is somebody as talented as them in front of you, naturally, you know, when you have a good actor in front of you, your performance, you know, tends to become better because acting is all about an exchange between two characters. So apart from this, any other project you're working on? Yes, so I think this year is going to be a year of releases for me and hopefully some new films as well. So after this I have a film called Baba Black Sheep which is releasing, then there is a film called Dread Affair, tentatively titled, yes, so it's tentatively titled Dread Affair, but yeah, so as of now this, rest I will tell you as soon as I know. Thank you.
और क्या कहना चाहेंगी आप जाते जाते दर्शकों से? मैं बस कहना चाहूँगी गाइज, प्लीज़ गो वॉच माई फिल्म जीना, इसी का नाम है, ऑन 3rd of March, एंड आई एम श्योर यू विल गो बैक विद अ स्माइल एंड यू कैन ऑल गो टुगेदर विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ गो वॉच माई फिल्म. That's it. Thank you. Also, they're taking bites, like video bites. Yeah. Like, so I don't need to stand in one place, right? Yeah. And I get very conscious with this. I don't want to. He's taking scale, other is taking visual. Like, okay, sorry. You want me to keep talking to me? Thank you.